संस्थान जोधपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनी शकल जिसका फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, इसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था इस कहानी में पैट्रिक नाम का एक लड़का है जिसको कि होमवर्क करना बहुत ही बोरियत लगता है और वो अपना होमवर्क नहीं करता और वो हमेशा बास्केटबॉल, हॉकी और निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम है उसमें खेलने में ज्यादा रुचि रखता है। तो जो उसके अध्यापक है वो हमेशा कहते हैं यदि ऐसे चलता रहा तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे और हमेशा कई बार उसे ऐसा महसूस होता है कि वो एक नंबर का अज्ञानी व्यक्ति है। तभी अचानक उसको आश्चर्य होता है, वो देखता है उसकी जो पालतू बिल्ली है वो एक गुड़िया के साथ खेल रही है। उसके नजदीक जाता है पैट्रिक, उसको आश्चर्य होता है, वो देखता है कि वो एक गुड़िया नहीं, वो एक बॉल नहीं बल्कि एक गुटिया नहीं बल्कि एक छोटा सा इंसान है जिसकी की बहुत ही छोटी साइज है और जिसने ब्रिज जो कि पैंट पहने हुए ट्राउजर और उसके में वूलन शर्ट पहना है ऐसे लगता है उसके सके लंबी सी है ऐसे लगता है जैसे कोई जादूगर हो। वो बोलता है पैट्रिक को, पैट्रिक बोलता है मुझे बचाओ बचाओ मुझे इस बिल्ली से बचाओ। तो जो हमारे पैट्रिक कहता है मैं तुझे बिल्ली से बचा उसके बिल्ली मेरी एक शर्त है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो पैट्रिक कहता है कि मैं स्कूल का जो होमवर्क है वो तेरे को पूरा करना पड़ेगा। अब आगे क्या घटनाएं होती है, क्या पैट्रिक का गृहकार्य वो छोटा इंसान करता है नहीं करता है वो हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले द लिटिल मैन फेस विंकल और जो छोटा प्राणी उसका जो चेहरा है वह झुर्रियों से भरा हुआ है, सिकड़ा हुआ उसका जो चेहरा जो उसका जब पैट्रिक उसको कहता है कि तुझे मेरा होमवर्क करना है तो ये बात सुनकर जो छोटा सा जो प्राणी है उसका चेहरा सिकुड़ जाता है। रिंकल का मतलब सरवटे भरा हुआ या उसका चेहरा सिकुड़ जाता है लाइक डिस्क्लॉथ। डिस्क्लॉथ यानी वो कपड़ा जिससे हम बर्तन वगैरह साफ करते हैं। तो उसका चेहरा बर्तन धोने वाला जो क्लॉथ है उसकी उसका चेहरा सिकुड़ जाता है एंड दिस क्लॉथ थ्रोन टू इन द हैम्पर और ऐसा लगता है जैसे कि जो बर्तन साफ करने वाला जो क्लॉथ है जिसको हमने हैम्पर यानी टोकरी फेंक दिया है उसकी तरह सरवटों से भरा हुआ उसका चेहरा हो जाता है। किक्ड हिज लेग्स और वो जो छोटा प्राणी है वह लात मारता है अपने पांवों से लात मारता है एंड डबल हिज फिस्ट यानी मुट्ठी अपनी मुट्ठी को वो भींच देता है। डबल्स का मतलब भींच देना, वो अपनी मुट्ठी को भींचता है और जो उसके पांव से वो किक यानी कि लात मारता है एंड ही ग्रिमेट ग्रिमेट यानी चेहरा बनाना मुंह सिकोड़ना और वो चेहरा बनाता है एंड स्काउट स्काउट यानी वो चिल्लाता है एंड बर्स्ट हिज लिप्स बर्स्ट यानी सिकुड़ना और अपने होंठों को सिकुड़ता है और वो ऐसा भाव बनाता है जैसे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है और उसको काम करने का कोई स्वभाव नहीं है। ओह एम आई कर्स्ड और कहता है मैं तो शापित हूं मुझे श्राप मिला हुआ है बट आई विल डू इट लेकिन मैं ऐसा जो मैं उसको वादा किया है मैं उसका काम करूंगा एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स और वो अपने शब्दों के ऊपर सत्य उतरता है वो अपने शब्दों को सत्य साबित करता है। That legit elf का मतलब बोना है इंसान या छोटा प्राणी। That legit elf begin to do और उसके बाद वो बोलता है और जो उसने वचन दिया था पैट्रिक को वो अपने वचन के ऊपर खरा उतरता है और वो पैट्रिक का काम करना प्रारंभ करता है। Elf begin to do पैट्रिक्स होमवर्क और वो जो पैट्रिक के काम करने को बिगिन यानी प्रारंभ कर देता है एक्सेप्ट यानी के अलावा उसके केवल एक अलावा देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच का मतलब समस्या उसको केवल एक समस्या के अलावा द एल्फ जो वो हमारा बोना प्राणी है डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट उसको केवल एक समस्या के अलावा और उसको हमेशा कोई भी समाधान या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चूंकि केवल उसको यह नहीं पता होता है कि उसे करना क्या है केवल एक समस्या होती है और वो ये समस्या होती है कि उसको ये नहीं पता होता कि उसे क्या करना है एंड ही नीडेड हेल्प और उसके लिए उसको हमेशा मदद की आवश्यकता पड़ती है और वो बोलता है हेल्प मी मेरी मदद करो मेरी मदद करो। ही वुड से एंड पैट्रिक्स और वह ये बात पैट्रिक्स से कहता है केवल मेरे पास एक समस्या है बाकी मेरे को कोई समस्या नहीं है कि मुझे करना क्या है और उसके लिए मेरे को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है इसलिए हमेशा बोलता है हेल्प मी हेल्प
छोटा छोटा प्राणी वो कहता है आई डू नॉट नो दिस वर्ड, मुझे मैं शब्द के बारे में नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीज, और एल्फ जो जब वो पार्ट को पढ़ता है तो चिल्लाता है, स्क्वीज का मतलब होता है चिल्लाना। व्हाई रीडिंग पैट्रिक ओवर, और जब वो पैट्रिक के ओवर को पढ़ता है तो वो चिल्लाता है गेट नियर डिक्शनरी, और वो पैट्रिक से कहता है कि मुझे डिक्शनरी दो या मुझे शब्द कोश दो। नो वर्ड्स एवन बेटर लुक अप द रेगुलर, नहीं इससे जिससे कि जो शब्द मेरे को नहीं आ रहा है उसको मैं डिक्शनरी के अंदर तलाशूं। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और जो प्रत्येक शब्द है उसका मैं प्रोनंसिएशन कर सकूं डिक्शनरी को देखकर। When it came to the math, लेकिन जब गणित की बारी आती है, Patrick was out of luck, यहाँ पर Patrick का भाग्य नहीं चलता है। Watch our timetables, और जो elf है वो बोलता है कि timetable होता क्या है? The elf sing, elf sing है चिल्लाना, जो हमारा elf है बोला प्राणी वह चीखता है और कहता है कि timetable होता क्या है? We elves, और जो हम बोले प्राणी है never need, हमें इसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। That's an addition, addition यानी जोड़ना, and subtraction यानी minus करना घटाना, and division division यानी भाग देना, and fraction fraction यानी गुणनखंड। तो जो हमारा बोना प्राणी वो कहता है कि हमारे को ना तो जोड़ की आवश्यकता पड़ती है, ना ही माइनस घटाने का सूत्र पड़ती है, और ना ही बांटने का सूत्र पड़ती है, और ना ही हमें गुणनखंड की कोई आवश्यकता पड़ती है। आशा करता हूं